न्यू टॉपिक क्लोथिंग स्टॉक और इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है, IAS 2। अच्छा भैया, IAS 2 क्या होते हैं? IAS के फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और ये 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है, हर टॉपिक के ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इसमें क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, जो कि इंटरनेशनली फॉलो किए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड है वो तो हम प्रॉपर पढ़ेंगे S3 में जाकर सारी चीजें। फिलहाल से नाम याद रखिएगा, क्लोथिंग इन्वेंटरी से रिलेटेड इन स्टैंडर्ड कौन सा है, IAS 2, और जो भी हम बात करेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू IAS 2 ही करेंगे। अच्छा, पहले तो हम लिख लेते हैं इन्वेंट्री या स्टॉक होता क्या होता है, स्टॉक इन्वेंट्री क्या किस और कितनी टाइप के होता है। जो हम बेचने के लिए गुड्स खरीदते हैं वो आपकी इन्वेंट्री होती है, स्टॉक होता है, ठीक है। और कितनी टाइप्स हो सकती हैं, अगर फिनिश गुड्स होती हैं आपकी, और अगर रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग अगर है, और वर्क इन प्रोसेस वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक हो सकता है, और ट्रेडिंग बिजनेस है तो सिर्फ क्लोज फिनिश गुड्स का स्टॉक होगा। ये तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इन्वेंट्री, लिखी हुई हैंड आउट में देख लें। हाँ, लिखी हुई है, ठीक है, रीड कर ले बस, लिखी हुई है, ठीक ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपकी इन्वेंट्री और उसकी टाइप्स हो गए। अब आ जाए, ठीक है, फिनिश गुड्स हो गए, वर्क इन प्रोसेस हो गया, रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है। अब ये एक स्टॉक वैल्यूएशन का एक रूल है जो आपने खैर MA में तो नहीं पढ़ा होगा, वहां अप्लाई नहीं होता, ये FA में अप्लाई होता, फंडामेंटल प्रिंसिपल स्टॉक वैल्यूएशन। अच्छा, ठीक है, कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसको आपने वैल्यू किस तरह करना है, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। अब रूल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल कहते हैं कि इन्वेंटरीज आर रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। देखिए, जो आपका स्टॉक है उसे आपने किस पे रिकॉर्ड करना है, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू NR। देखिए, आप क्या करेंगे, जब ईयर एंड पे आपका स्टॉक बचेगा तो आप उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसकी NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और दोनों में से जो वैल्यू लोअर होगी कम होगी उस पर आप अपना क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे। नहीं, करंट वैल्यू कह सकते हैं, नहीं करंट नहीं होगी, करंट वैल्यू। हाँ, समझाऊंगा अभी, ये तो रूल है, ठीक है। रूल क्या कह रहा है कि आपका जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, ईयर एंड पे स्टॉक बचेगा, आपने उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, उसके बाद NRV कैलकुलेट करेंगे, दोनों में से जो लोअर होगी उस पर आप अपना क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करें, ठीक है, ये तो रूल होगी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इन, इस पर भी हम बात करते हैं सबसे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जितने में आपने स्टॉक खरीदा या जितने में बनाया, आपने बनाने में जो कॉस्ट है या खरीदने में जो कॉस्ट आ रही है, वो तो आपकी कॉस्ट होगी। अच्छा, NRV क्या होती है, पहले इसको बात करते हैं, NRV क्या होती है, फिर हम बात करेंगे कि ये लोअर पे क्यों रिकॉर्ड करने को कह रहा है, हायर पर रिकॉर्ड करने के लिए क्यों नहीं कह रहा, इसकी क्या रीजन है, ठीक। पहले जरा ये इस पर बात करते हैं, NRV क्या होती है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री तो ये हो गया, इसको रीड करेंगे तो पता है, ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इन ब्रिंगिंग एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ परचेज, ठीक है। जैसे कि परचेज आपने की गुड्स, उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होती है, अगर वो सब उसमें ऐड हो जाएगी, आपके पास कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी, ये तो आपकी कॉस्ट। इसमें क्या क्या आ सकता है, परचेज प्राइस में आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट अगर मिला है तो वो माइनस कर देंगे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, NRV क्या होती है, ये क्या होती है, NRV क्या है, NRV इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो नॉर्मल एक सेलिंग प्राइस होगी, तो आप क्या करेंगे, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट,
ऑल फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीशन, अगर कोई फर्दर कॉस्ट आपने इनकर करनी है उसको कंप्लीट करने के लिए, और इसके अलावा मार्केटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये सब माइनस कर देंगे तो जो बचेगा आपके पास वो क्या रहेगी, आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यानी कि जब ये प्रोडक्ट आपकी सेल होगी तो आपके पास नेट अमाउंट क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट नहीं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में से जो एक्सपेंसेस है उसको सेल करने के लिए जो एक्सपेंस आपको करना पड़ेंगे वो माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगी नेट रियलाइजेबल। प्रॉफिट नहीं प्रॉफिट नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने रेट डिस्काउंट माइनस किया और ये एक्सपेंस माइनस किया, कॉस्ट को तो माइनस नहीं किया ना, कॉस्ट माइनस नहीं हो रही तो प्रॉफिट आता है ना, कॉस्ट माइनस। देखिए एनआरवी क्या, एक प्रोडक्ट है आप उसको सेल कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कुछ को सेल करने के लिए कुछ पैसे आपको कुछ एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ेंगे, तब जाके ये प्रोडक्ट आपकी सेल होगी। अब कहने को अगर आपने 1000 में सपोज प्रोडक्ट अपनी सेल की, लेकिन उसको सेल करने के लिए आपको 200 के एक्सपेंसेस करना पड़े, तो आपकी जेब में कितने पैसे आए, 800। 800 800 आपको रियलाइज हुए, नेट आपको अमाउंट रियलाइज क्या होगा। अच्छा अब इसको हाँ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो ये सेलिंग प्राइस आपकी एनआरवी होगी, बातें तो रहता है इसको एक एग्जाम्पल से, फिर ये बाद में बात करेंगे। हाँ अब ये एक एग्जाम्पल है, इसे समझते रूल भी समझ में आ जाएगा और ये एनआरवी भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो आता है सपोज जो स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है जिसकी कॉस्ट है 800 क्लोथिंग स्टॉक, अच्छा और इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 1000 सेलिंग प्राइस है। अच्छा ये जो स्टॉक आपके पास रखा हुआ था ये रखे रखे आउटडेटेड हो गया या आउट ऑफ फैशन हो गया सर, उसको सेल करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगी, अपडेट करना पड़ेगा उसको, ठीक। ये जो भी स्टॉक था रखे रखे डैमेज हो गया, उसको सेल करने के लिए अब आपको रिपेयर करना पड़ेगा, सही। अच्छा तो रिपेयरिंग या मॉडिफिकेशन में आपकी कॉस्ट आ रही है 200, इसके बाद कुछ आपको सेलिंग एक्सपेंस देना पड़ेंगे, जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट हो सकती है या किसी को आपने कमीशन देना पड़ रहा है, सेल्समैन कमीशन हो गया, इस टाइप के एक्सपेंसेस। अब उसके बाद आपको देखिए 1000 में ये प्रोडक्ट सेल होगी, लेकिन आपके एक्सपेंस कितने हो रहे हैं, 300 आपको एक्सपेंस इनकर करना पड़ रहा है, तब जाके ये सेल होगी 1000 में। कहने को तो ये 1000 में सेल होगी, लेकिन आपको रियलाइज कितने होंगे, 700 मिलेंगे। अच्छा अब देखिए कॉस्ट कितनी थी, अब नेट रियलाइज कितने हुए, 700। तो मतलब आपको 100 का लॉस होगा ना इस पे, कि जब भी आपके प्रोडक्ट, जब ये स्टॉक आपका सेल होगा तो इस पर आपको 100 का लॉस, इस पे भी बात करते हैं। अच्छा तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, आपने वैल्यू किस पे करना है स्टॉक, लोअर पे। कॉस्ट कितनी है, एनआरवी कितनी है, 700। लोअर क्या है इसमें, तो रूल क्या कहता है कि आपने इसको लोअर पे रिकॉर्ड करना, तो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे आप 700। इसकी रीजन भी बताता हूँ लोअर क्यों। सेकेंड एग्जाम्पल पर आए, कॉस्ट वही है हमारी 800, सेलिंग प्राइस 1200 है, ये कुछ मॉडिफिकेशन एक्सपेंसेस हुए, एनआरवी कितनी आ रही है, तब ये जो स्टॉक जब सेल होगा तो आपको 100 का प्रॉफिट। तब रूल क्या कहते हैं, आपने इसको रिकॉर्ड किस पे करना है, लोअर पे। तो यहाँ पे लोअर क्या है, कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक हम रिकॉर्ड करेंगे 800 से लोअर पे, ठीक है। अभी जो एनआरवी है, एनआरवी क्या है, हम इसको ना फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस में से आप जो एक्सपेंसेस है आपके नेसेसरी टू मेक सेल माइनस करते हैं तो आपके पास एनआरवी आ जाए। इसका एक शॉर्ट है कि जो भी सेलिंग प्राइस है आपके उसमें से जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है वो माइनस कर दें तो आपके पास एनआरवी आ जाए, ठीक है। कॉस्ट समझ में आ गई, एनआरवी समझ आ गई। अच्छा अब रूल पे बात करते हैं कि लोअर पे क्यों कह रहे हैं, वो हायर पे क्यों नहीं बोलते, अब इसकी क्या रीजन है। चलिए इसको बैक करते हैं, मैं आपको रीजन बताता हूँ। ये हमारा रूल हो गया। अच्छा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और एनआरवी आपको समझ में आ गई, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और एनआरवी क्लियर हो गई। अब इस रूल पे बात कर रहे थे कि लोअर पे रिकॉर्ड करने के लिए क्यों कह रहा है, हायर पे क्यों नहीं कह रहा, इसके रीजन क्या है। अच्छा बताएंगे अगर फ्यूचर में जो लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो
तो पहले रिकॉर्ड करने ना बेहतर ही है, वेट करें और गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बाद में रिकॉर्ड करेंगे जब वो रियलाइज हो जाएगा। अच्छा इसके रीजन क्या थे, इसके क्यों ये हमने पढ़ा था एक बैडेट्स FA1 में पढ़ा था, बैडेट्स पढ़ाया था ना ना पिछले, उसी में मैंने बताया था प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसकी रीजन क्या है लोअर पे रिकॉर्ड करने की रीजन, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, लॉस अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फॉरन रिकॉर्ड करेंगे और गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वेट करें जब तक कि वो रियलाइज ना हो। इसको रीड कर रहे हैं, क्या लिखा है, एक पॉइंट और, इन कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी कॉशियस अप्रोच शुड बी टेकन सो दैट गेन्स एंड एसेट आर नॉट ओवर स्टेटेड एंड लॉसेस एंड लाइबिलिटीज आर नॉट अंडर स्टेटेड। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपके एसेट और गेन ओवर स्टेट ना हो और आपके लॉस और लाइबिलिटीज अंडर स्टेट नहीं होने चाहिए। जिसकी क्या वजह, अगर एसेट्स आपके ओवर स्टेट हो जाए, गेन आपके ओवर स्टेट हो जाए, तो इससे क्या होगा, देखिए एसेट्स ओवर स्टेट होंगे तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नजर आएगी कि एसेट्स बहुत है आपके पास। गेन्स को अगर आप ओवर स्टेट कर दें तो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नजर आएगी, आपको गेन हुआ इतना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अपवर्ड्स का एक बिजनेस है जिसने अपने जो जिसने अपने एसेट्स को ओवर स्टेट करके दिखाया और गेन्स को भी ओवर स्टेट करके दिखाया। अच्छा जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किए, इन्वेस्टमेंट कर दी और पता चला कि ऐसा नहीं था, तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है। और इसी तरह अगर आप लाइबिलिटीज को कम कर दें तो आपकी फाइनेंशियल पोजिशन अच्छी दिखेगी, लाइबिलिटीज कम है। लॉसेस को कम कर दें तो आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी दिखेगी कि आपके लॉस एक्सपेंस कम हो। तो ये फिर गलत है, इसलिए प्रूडेंस क्या कहते हैं कि अगर आप लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फॉरन रिकॉर्ड करेंगे ताकि वो अंडर स्टेट ना हो, और गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वेट करेंगे जब तक कि वो रियलाइज ना हो ताकि आपके गेन और एसेट ओवर स्टेट ना हो। इस चीज का ख्याल है, तो अब यही रीजन है। तो अब यहाँ देखें, आप इसको अप्लाई करते हैं उस एग्जाम्पल पे तो आपको रीजन समझ आ जाएगी कि लोअर पे क्यों हायर पे क्यों नहीं। प्रूडेंस कौन, इसमें फिर मैं दो एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। अब देखें एग्जाम्पल वन में कॉस्ट कितनी है, एनआरवी कितनी आ रही है, तो यहाँ पर हमें एक लॉस नजर आ रहा है कि जब ये स्टॉक हमारा सेल होगा तो हमें 100 का लॉस। प्रोडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फॉरन रिकॉर्ड करें, तो हम स्टॉक रिकॉर्ड कितने पे करेंगे, 700। ठीक है, अच्छा जो 100 का लॉस है वो अलग से रिकॉर्ड होगा क्या, क्या उसको अलग से शो करेंगे 100 का लॉस शो करेंगे। नहीं, वो शो नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन स्टॉक को आप लेंगे लोअर पे ले रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक है ना। आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक आपने लिया लोअर पे कम, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। देखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, अब अगर 800 माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम आएगी और 700 माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा हो जाएगी। ठीक, तो जब आप स्टॉक लोअर पे लेंगे तो इससे आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा होगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो लॉस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही, ओके। सेकंड एग्जांपल में देखिए कॉस्ट कितनी, 800, एनआरवी कितनी है 900, तो यहाँ पे क्या है, 100 का गेन है। ठीक है, कि जब ये स्टॉक सेल होगा तो हमें 100 का गेन रियलाइज, और प्रोड्यूस क्या कहता है कि गेन जब तक रियलाइज ना हो जाए रिकॉर्ड नहीं करना। स्टॉक कितने पे लेंगे, पर 800 पे रिकॉर्ड कर। ठीक है, इसको तो फिर बाद में रिकॉर्ड करेंगे इसको अगेन, वो तो जब गेन जब होगा, जब सेल होगी तब रिकॉर्ड करेंगे, तो अगले साल पे रिकॉर्ड हो, वो अगले साल खुद ही रिकॉर्ड हो जाएगा। जब ये स्टॉक सेल होगा तो उसे आप सेल्स रिकॉर्ड करेंगे तो गेन आपका खुद ही रिकॉर्ड हो जाएगा। लॉस में कॉस्ट भैया, आप कॉस्ट स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 800 लेंगे ज्यादा, तो कॉस्ट आपकी क्या होगी कम, क्लोजिंग स्टॉक कम लेंगे तो कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। ओपनिंग स्टॉक 1,000, परचेज 3,000, टोटल कितना हो गया 4,000।
400 से माइनस करें 800, 3200, और 700 माइनस करें 3300, 4000 में से 800 माइनस करें 32, अगर 700 माइनस करें बढ़ गई कॉस्ट, कम वाला माइनस करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा आ रही है, ज्यादा माइनस करते हैं तो कम है, कॉस्ट बढ़ी, कॉस्ट बढ़ी तो प्रॉफिट कम हो गया। परचेज के ज्यादा उसमें तो कोई फर्क नहीं आ रहा, स्टॉक तो आपका है, परचेज कहाँ से आ गई, परचेज तो आप तो कैलकुलेशन समझा रहा था, परचेज तो वही रहेगी, क्लोजिंग स्टॉक देखिए, फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक 1000 है, परचेज आपने की 3000 के टोटल कितने हो गए, अगर 800 माइनस करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3200, और 700 माइनस करें 3300, कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई, प्रॉफिट आपका कम हो गया, ठीक है, तो वो लॉस खुद ही रिकॉर्ड हो गया। ओके, तो अभी क्लियर हो गया आपको, तो बताइए क्लियर हो गया इन्वेंटरी क्या होती है, रूल समझ में आ गया, रीजन क्या लोअर पे लेने की, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फॉरन रिकॉर्ड करें, गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वेट करेंगे जब तक कि वो रियलाइज हो जाए। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होती है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हो गई आपकी एनआरवी हो गई, और ये आपका प्रोडेंस कॉन्सेप्ट, और ये आपकी इसके साथ ही छुट्टी हो गई। अभी कहा से 15 मिनट है, अच्छा तो तो नहीं।